अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पोटैटो स्माइल्स की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत मज़े की बनेगी और आप इसकी साउंड को फील करें। ये बहुत क्रिस्पी बनी थी। पोटैटो स्माइल्स काफ़ी कम टाइम में तैयार होती हैं। हम इसे 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे। आप पोटैटो स्माइल्स को स्नैक्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। पोटैटो स्माइल्स बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड पोटैटोस। मैंने एक पाव लिए हैं, आप पोटैटो की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1/2 कप। मैंने एजेस के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अंदर के पार्ट के भी मैंने बना लिए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में यूज़ करेंगे। और दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ब्रेड क्रम की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आलू को मैंने मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद है तो कम डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करते हैं। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इससे भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें काफ़ी कम स्पाइसेस ऐड की हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स से इसको रेडी करेंगे हम। अब इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। बाइंडिंग अच्छी होने से ये बहुत मज़े के बनेंगे। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, इससे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। आपने वीडियो के स्टार्ट में तो देखा ही होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने थे। मैंने इस पर किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं की जिससे ये क्रिस्पी बने। और यहाँ पर मैंने इसे मैश कर लिया अच्छे से। अब हम इसकी स्माइलीज बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैप लिया, आप किसी भी चीज़ का कैप ले सकते हैं, कोई ग्लास वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम इससे स्माइलीज बनाएंगे, इसको शेप देंगे सर्कल की। और ये काफ़ी छोटे छोटे से बने थे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटी ही बनाएं, बड़ी भी अच्छी लगती हैं। मैंने इसमें 1-2 हैं जो बड़ी बनाई है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ आगे। आप देखिए ये कितने छोटे छोटे से बन रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मैंने थोड़े से ही बनाए थे। पोटैटो मिक्सचर को मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर लिया है और जो साइड में मिक्सचर रह गया इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसे और बनाएंगे हम। अब मैंने एक बड़ा सा ग्लास लिया, इसके बड़े बनाएंगे, क्योंकि मुझे चेक करना था कि छोटी वाली स्माइली ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी या बड़ी वाली, लेकिन छोटी वाली ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। और आप अगर ट्राई करें तो छोटी वाली स्माइलीज ही बनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और वैसे भी सबको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद होती है। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉ लिया, इससे हम स्माइलीज की आइज बनाएंगे। अब एक स्पून से इमोजी की स्माइल बना लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें स्माइलीज मैंने डाल दी हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम स्माइलीज की साइड चेंज करेंगे, क्योंकि गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी हैं। अब दूसरे बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये 1 पाव आलू थे, इसलिए इसके 2 बैच ही बनेंगे। हमारी स्माइलीज फ्राई हो चुकी हैं, अब इन्हें डिश आउट कर लेंगे। स्माइलीज को मैंने डिश आउट कर लिया है, ये इसकी फाइनल लुक है और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और हमने इसे केचप के साथ एंजॉय किया था। आप भी केचप के साथ जरूर एंजॉय कीजिएगा। और इसकी फिलिंग देखें अंदर, ये देखें बहुत क्रिस्पी बने थे। उम्मीद है आपको पोटैटो स्माइलीज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।